वेट, क्या आप 2022 के किसी नए कोरियन सीरीज का वेट कर रहे थे? अगर कर रहे थे और आपने समबडी को देखा और डिसाइड किया कि चलो समबडी देखते हैं, तो प्लीज़ 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 सबसे पहले इस रिव्यू को पूरा देखो। रिव्यू को देखने के बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको ये सीरीज़ देखनी है या नहीं, इस पर अपना टाइम वेस्ट करना है या नहीं। अब क्योंकि मैंने अपने 8 घंटे इस सीरीज़ पे वेस्ट कर दिए हैं, तो फिर एक रिव्यू बनाना तो बनता ही था। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये सीरीज़ मुझे पर्सनली बहुत 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 बुरी लगी। अब ऐसा क्यों? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं बताती हूँ। लेकिन अगर आप कॉमेडी, रोमांस, वर्कप्लेस, बिजनेस, साईफाई टाइप ऑफ ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज़ में आपको कहीं भी कॉमेडी का सी भी देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी का जो प्लॉट है वो बहुत ही स्लो डाउन फेज में चलता है और कहानी बहुत बोरिंग है। ओवरऑल सीरीज़ में न्यूडिटी और इंटिमेसी कुछ ज़्यादा ही है, और मेरा जो फेवरेट जॉनरा है वो है कॉमेडी रोमांस। तो मेरे पर्सपेक्टिव से ये सीरीज़ बहुत, मुझे 1% नहीं अच्छी लगी। तो अगर तो आप कोई सीरीज़ ढूंढ रहे हैं जो आपको एक अच्छा इन्जॉयमेंट और एक एन्जॉइंग प्लॉट स्टोरी प्रेजेंट करे, तो ये सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसे बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगी, और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगी कि मत देखना। अगर तो आप फिर भी सीरीज़ को देखना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं, आपको देखनी है या नहीं देखनी है ये आपको डिसाइड करना है। मैंने तो रिव्यू कर दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी।